नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास बेल डोर है जो कि बज नहीं रहा है, तो चलिए आज इसको हम चेक करते हैं। तो चलिए इसका बैटरी वाला ढक्कन को हम पहले खोल के बाहर निकालते हैं और थोड़ा बैटरी को मतलब आगे पीछे करके चेक कर लेते हैं। चलिए हम टेस्ट लैम्प की मदद से थोड़ा चेक किए तो हमारा ये बेल डोर नहीं बज रहा है। आइए हम मल्टीमीटर के मदद से इसको जो है बैटरी का वोल्टेज का पता लगा लेते हैं। एक्चुअली बैटरी मेरा डाउन तो नहीं हुआ है, तो बैटरी भी बराबर है, तो इसका मतलब हमारे इस सर्किट में ही फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम सर्किट के सारे कंपोनेंट को हम चेक कर लेते हैं अपने कंटिन्यूटी की मदद से, देखते हैं इसके अंदर जो है कौन सा कंपोनेंट डैमेज हुआ है। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट पे सब पॉइंट पे जल रहा है, एक देखिए इस पॉइंट पे नहीं जल रहा है। चलिए एक बार हम और चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पे नहीं जल रहा है, इस पॉइंट पे पावर नहीं आ रहा था, ये दोनों पॉइंट पे पावर नहीं है, इसका मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। चलिए सोल्डिंग आयरन की मदद से हम जो है इसको रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो लीजिए हम जो है इसका रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिए ख़राब वाला। अब हमारे पास दोस्तों, मैं मार्केट एक्चुअली नहीं जा पाया, तो ये हमारे पास जो है डीपी स्विच के इंडिकेटर में जो है लगा था, मतलब इंडिकेटर बत्ती है, इसमें देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस इसमें लगा है। इस रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं क्योंकि दोस्तों डीपी स्विच मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए हम जो है इसमें से निकाल लिए। ये बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसके बाद फिर भी हम इसको लगा के चेक करते हैं कि मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें जो है इसको इंस्टॉल कर देते हैं इस सर्किट में, बेल डोर के सर्किट में, और इसके बाद हम चेक करेंगे टेस्ट लैम्प की मदद से कि मेरा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत हीटिंग है, इसलिए हम जो है इसको लीजिए हम प्रॉपर ढंग से लगा दिए। लगाने के बाद टेस्ट लैम्प की मदद से देखिए दोस्तों, मेरा बेल जो है बजने लगा। तो इसी तरह दोस्तों जो है आप भी घर पे जो है जीरो खर्च में जो है बेल रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली पहले ज़्यादा ख़राब एक्चुअली बैटरी ही होता है। लीजिए दोबारा भी चेक करें तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बज रहा है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा रहा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।